डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल श्रेष्ठा गुप्ता। आज अपन डिस्कस करांगे ऑन सेइंग प्लीज दियां दो एक्सरसाइजेस डू एज डायरेक्टेड, जिहड़ी कि मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बट इस तो पहला कि आपां इन एक्सरसाइजेस नूं करिए तां सानूं कुछ बेसिक्स समझने पैणगे, क्योंकि जिवें पहली एक्सरसाइज इहदा क्वेश्चन नंबर 2 दे विच पहला क्वेश्चन ही है, फिलअप द ब्लैंक विद एन इनफिनिटिव। इनफिनिटिव लगा के आपां इहनूं कंप्लीट करना है, या पार्टीसिपल लगाने ने, जां इस एक्सरसाइज दे अगे होर कुछ क्वेश्चन है जैरेंड। इट मीन सानूं इहदी नॉलेज होनी चाहीदी है कि इनफिनिटिव, पार्टीसिपल ते जैरेंड की चीज़ है। सो सब तो पहला मैं तुहानूं दसूंगी कि इनफिनिटिव की हुंदा है। इनफिनिटिव जिहड़ा है वह आपां वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के अगे टू लगाने हैं, टू प्लस वी वन कर दिए तो आपां इनफिनिटिव का यूज़ करते हैं। ये गल अलग है कि कुछ इनफिनिटिव इस तरह के होंगे जिन्हें अगे टू नहीं लगता, बट साढ़े जिन्हें भी क्वेश्चन आते हैं वह टू प्लस वी वन वाले आते हैं। नैक्सट है जैरेंड तो पार्टीसीपल। इन दोनों की जे आप गल करिए इन की फर्क है तो की चीज़ होंगी है। एज बोथ द जैरेंड एंड द प्रेजेंट पार्टीसीपल एंड इन आई एन जी। हुण जिहड़ा जैरेंड है वह भी, तो जिहड़ा प्रेजेंट पार्टीसीपल है वह भी। ये जिहड़ा वर्ड हुंदा है इहदे पिछे आई एन जी लग्या हुंदा है। सो इन्हां नूं बहुत ही ध्यान दे नाल यूज़ करना पैंदा है। जिहड़ा जैरेंड है, जैरेंड दे विच फोर्स ऑफ ए नाउन ते वर्ब दोनों हुंदी है। हुंदा तां इह वर्ब ही है जिहदे पिछे आपां आई एन जी लाउणे आ, पर वो काम मेनली काम किहदा करदा है, नाउन का काम करता है। जिहड़ा प्रेजेंट पार्टीसीपल हुंदा है वो हुंदा तां वर्ब है, उहदे पिछे भी आई एन जी लग्या होया हुंदा है, पर वो मेनली काम करदा है ऑब्जेक्टिव का। ये दोहां दे विच मेन फर्क है। जैरेंड काम करदा है नाउन का, तो जिहड़ा प्रेजेंट पार्टीसीपल है वो हुंदा तां वर्ब ही है पर काम करदा वो ऑब्जेक्टिव का। मैं एक कंसैप्ट क्लीयर करन लगी हाँ कि प्रेजेंट पार्टीसीपल है जिहड़ा उहदे पिछे भी आई एन जी लग्या हुंदा है, जिहड़ा जैरेंड है उहनां दे पिछे भी आई एन जी लग्या हुंदा है, तो दोनों का फर्क की है। जिहड़ा प्रेजेंट पार्टीसीपल हुंदा है उहदे विच की है, ये ऑब्जेक्टिव का काम करता है। ट्रेन द बर्निंग ट्रेन, ट्रेन कहड़ी है जल्दी हुई, ट्रेन पिछे नाउन है। इहदी की खास गल है कि जल रही है, पिछे नाउन है। नाउन जिहड़ा वर्ड बर्निंग है वो ट्रेन की खास गल बारे दस रहा है कि यह जल रही है। रोलिंग स्टोन, स्टोन इत्थे फिर नाउन है, पर इहदी की खास गल है, ये रोलिंग है, ये रुड़दा आ रहा है। रोलिंग स्टोन, बर्निंग ट्रेन, ये दोनों प्रेजेंट पार्टीसिपल है, इस नाउन बारे कुछ ना कुछ दस रहे है। जिहड़ा हुंदा जैरेंड, जैरेंड दे विच इहदे आपां अपनी मदर टंग दे विच देखिए तां की फर्क हुंदा है, बई जदों आपां उस वर्ड उस सेंटेंस की जां उस वर्ड की इत्थे मीनिंग लगाइए तां पिछे शब्द ना आऊगा, पढ़ना, गाना, ना खेडना, रोना, दौड़ना, इन्हां सारयां दे पिछे वर्ड ना दी प्रोनंसीएशन आएगी। हुण जे मैं इत्थे कहां हंटिंग इज़ माई हॉबी, हंटिंग शिकार करना मेरी हॉबी है, तो इत्थे जिहड़ा हंटिंग वर्ड है वह जैरेंड है। आई लाइक रीडिंग पोइटरी, मैनू पोइटरी पढ़ना, आ वर्ड देखो आ गया, मैनू पोइटरी पढ़ना पसंद है। सो जैरेंड दे विच जदों आपां तुसीं अपनी मदर टंग च उहदा मीनिंग करोगे ना दी वर्डिंग आऊगी, तो इहदे विच एक नाउन दिता होगा, उस नाउन बारे कुछ ना कुछ पहला वर्ड तुहानूं दसेगा। ये तो असी अपना डिफरेंस बिटवीन प्रेजेंट पार्टीसीपल ते जैरेंड। तो हुण जिहड़ा पास्ट पार्टीसीपल हुंदा है उहदे विच की हुंदा है कि नाउन दे अगे जिहड़ा वर्ड लग्या होगा वह आई एन जी वाला नहीं होगा, पास्ट वाला होगा। और लॉस्ट अपॉर्चुनिटी नैवर रिटर्नस, बीतिया होया वक्त है जिहड़ा वह कदे भी नहीं वापस नहीं आउंदा। वक्त किहड़ा है, अपॉर्चुनिटी की है नाउन, तो वक्त है किहड़ा जिहड़ा बीत चुके है, लॉस्ट अपॉर्चुनिटी। इहदे विच जिहड़ा लॉस्ट है लग्या वा वो पास्ट पार्टीसीपल है। फेडड रोज़, रोज़ केड़ा है जिहड़ा फेड हो चुके है, तो ये भी फेडड पास्ट है, तो पास्ट पार्टीसीपल है।
सो आई होप ये तुहानू सारियां चीज़ां समझ आ गई होणगियां। तो हुण आपां एक्सरसाइज नूं करते हैं। द एबिलिटी डैश लाफ इज पिकीलियर टू मैनकाइंड, यदा आपां इनफिनिटिव लगाना है तो इनफिनिटिव का मैथड की है, टू प्लस वी वन। द एबिलिटी टू लाफ इज पिकीलियर टू मैनकाइंड, कि आदमी के कोल जो हसन की एबिलिटी है उसनों विशेष आदि को होर किसी को भी यह एबिलिटी नहीं है। कैन यू होप डैश काउंट द स्टार्स, अगेन आप इतने इनफिनिटिव का यूज़ करना है। आई होप तुहानू सारयां नू पता लग गया कि इनफिनिटिव किवें लगाना। मैनू बहुत खुशी होगी जे तुसीं कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखो। तो कंबाइन द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग ए पार्टीसीपल, हुण आप पार्टीसीपल नू यूज़ करके इन्हां दोनों सेंटेंसिस नू कंबाइन कर देंगे। आई कॉल ए स्पेड आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ इट, तो यदा आंसर बन जाएगा आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ कॉल द बना देंगे कॉलिंग, कॉलिंग अ स्पेड एक ईडियम है। पूरी लाइन का मीनिंग बन जाएगा कि स्पेड स्पेड का मीनिंग होंगे कि जेकर कोई जहो जहा भी कोई बंदा उन्हों ओहो जहा ही कहा जाए, जो बुरा है तो उन्हों बुरा कहा जाए फ्रेंकली, तो यदा पूरी लाइन का मीनिंग है कि मैनू उसनू जहो जहा भी वह हैगा उन्हों कहन दे विच कोई डर नहीं लगता। यदा आंसर लिख देंगे आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ कॉलिंग ए स्पेड अ स्पेड। नैक्सट क्वेश्चन इज शी कम्स डैश मी एवरी डे, पिछे वर्ड लगे सी, अगेन वी हैव टू यूज़ इनफिनिटिव का यूज़ करना है। सो वेरी सिंपल, टू प्लस वी वन। बहुत अच्छा लगेगा मैनू जेकर तुसी कमेंट बॉक्स में इसका राइट आंसर लिखोगे। तो नैक्सट इज द मैन सीम्स डैश वरी, पिछे अपन दस्या है कि इसका पार्टीसीपल ये ब्रैकेट के आप लगाना है। पार्टीसीपल ये प्रेजेंट भी हो सकता है, पास्ट भी हो सकता है। पास्ट पार्टीसीपल उदो लगाने हैं जो एक्शन पूरा हो। प्रेजेंट बारे मैं तुम्हें ऑलरेडी दस चुकी हूँ। सेंटेंस नू पढ़ के मीनिंग देखते हैं कि द मैन सीम्स वरी, वो आदमी चिंतित लगता है, चिंता के लगता है, ऑलरेडी चिंता उन्हों, तो इतने वरी का वरिंग नहीं होएगा, इतने तुम वरीड लिखोगे WORRIED। नैक्सट इज वी हैड ए ड्रिंक ऑफ द स्पार्कल वाटर, अगेन वी हैव टू यूज पार्टीसीपल, तो इतने स्पार्कलिंग लगावे। स्पार्कलिंग वाटर होंगे सोडा वाटर जिदे कार्बन डाइऑक्साइड गैस भरी हुई होंगी है। नैक्सट इज कंबाइन द फॉलोइंग सेंटेंसिस यूजिंग ए पार्टीसीपल, पार्टीसीपल यूज करके कंबाइन करना है। द स्टेबल डोर वॉज ओपन, द हॉर्स वॉज स्टोलन, द स्टेबल डोर बीइंग ओपन द हॉर्स वॉज स्टोलन, अस्तबल का दरवाजा खुला होन करके घोड़ा चोरी हो गया। इस तरह आप दोनों सेंटेंसिस मिला के एक बना दिता है। सेम कंबाइन द फॉलोइंग सेंटेंसिस यूजिंग ए पार्टीसीपल, फिर आप पार्टीसीपल लगाना है। ये आप वॉज का बनाया सी बीइंग, द स्टेबल डोर बीइंग ओपन, इतने वॉज लग्या होया सीगा, इहदी फस्ट फॉर्म हुंदी है बी, बी का बनाता सी आप बीइंग। इहदे विच आप की करांगे, वी मैट ए मैन ही वॉज कैरिंग ए लॉग ऑफ वुड, इहदे विच ऑलरेडी साडे कोल लग्या ही होया आई एन जी, सो सौखा है बनाना। वी मैट ए मैन कैरिंग ए लॉग ऑफ वुड, असी एक आदमी नूं लकड़ियां दा गट्ठा लजांदे हुए मिले। नैक्सट इज वी वर प्रिवेंटेड फ्रॉम डैश एंटर द हाउस, यदा आप जैरेंट यूज़ करना है। जैरेंट दे विच की हुंदा है कि असी वी वन दे नाल आई एन जी लगाना है, होर कुछ लगाना ही नहीं है। तो वैसे भी अगर आप इत्थे मीनिंग करके देखिए कि सानू घर दे विच एंटर करन तो रोकया गया, एंटर करन तो न दी प्रोनाउंसिएशन फिर है, तो इत्थे बन जाएगा एंटरिंग। लास्ट आई हर्ड हर डैश एट द फंक्शन, सिंग लग्या होया जैरेंट, तुहानू सब नू पता लग गया कि जैरेंट किवें बनता है वर्ब दे नाल आई एन जी लगा के। इसका आंसर तुसी कमेंट बॉक्स में लिखना, मैनू बहुत अच्छा लगेगा। क्वेश्चन नंबर 3, डू एज डायरेक्टेड, फर्स्ट इज ही इज टू पुअर टू ऑफर यू एनी फिनेंशियल हेल्प, रिमूव टू, टू नू आपां रिमूव करना है। ऑलरेडी वी हैव डन
टू एक्सरसाइजेज, पर आज मैं इसका आंसर तुहानू ओरली बोलांगी। इसका पूरा आंसर तुसी कमेंट बॉक्स विच लिखियो। ही इज़, पहले टू नू हटा के सो, ही इज़ सो पुअर, अगले नू हटा के दैट, दैट ही कैन नॉट ऑफर यू एनी फिनांशियल हेल्प। पार्ट टू, आयरन इज़ द मोस्ट यूजफुल ऑफ ऑल मैटल्स। इनू आपां इहदी डिग्री ऑफ कंपैरिजन करनी है, तां आपां इनू इस तरह भी कह सकते हैं कि कोई होर मैटल एनी यूजफुल नहीं जिन्नी के आयरन। नो अदर मैटल इज़ एज यूजफुल एज आयरन। तां अपना वे ऑफ राइटिंग, नो अदर मैटल इज़ as useful as iron. Next is, the doctor is hopeful of his recovery. Isda apa sentence banana hai complex, ta kivein banavange? The doctor is hopeful that he would recover. The doctor is hopeful that he would recover. Doctor nu ummeed hai ki oh theek ho javega. Next is, if she does not weep, she will die. Change it into a compound sentence. Apa isa compound sentence banana hai, ta kivein banavange? She must weep or she will die. Usnu zarur hi rona chahida hai, nahi ta oh mar javegi. Next is, he was fined because of his absence. Use the adjective form of the words in italic. Jede tede karke shabd likhe hoye hai, inna da apa इनू एबसेंस वर्ड नू एज अजैक्टिव यूज़ करना है। एबसेंस इज ए नाउन, अजैक्टिव इसका होएगा एबसेंट। सो इहदा आंसर बन जाएगा ही वॉज फाइंड बिकॉज ही वॉज एबसेंट। नेक्स्ट इज, द पुलिस मैन रैन, ही वॉन्टेड टू कैच द थीफ। इन्हों आप दोनों कंबाइन करना है, सो वेरी सिंपल, द पुलिसमैन रैन टू कैच द थीफ। नैक्सट इज, इट इज़ डिफिकल्ट टू कैच ए बटरफ्लाई। आप इंटेरोगेटिव बनाना है, सो सिंपल, इसनों आप लाइन का मीनिंग है कि बटरफ्लाई नू पकड़ना औखा है, तो कि आप आई नहीं कहेंगे कि बटरफ्लाई नू फड़ना औखा नहीं। इज़ नॉट इट डिफिकल्ट टू कैच ए बटरफ्लाई। सो ये बेटा तुहाडियां दोनों एक्सरसाइजेज, दीज आर मोस्ट इंपॉर्टेंट। तुहाडा एक अद्धा क्वेश्चन इस दे विच्चों आउंदा ही आउंदा है, सो सारे बच्चों ने इसनों अच्छी तरह ध्यान दे नाल वीडियो नू वेखना है, तो सारे क्वेश्चन तुसी अपनी नोटबुक्स दे विच्च भी लिखनी है। थैंक यू, हैव ए नाइस।